अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ CIRG। हम लोग हैं चखराना यूनिट में। विल गो इनसाइड विद द डॉक्टर सर एंड विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, ये सब कैलेंडर्स के मुताबिक काम होता है। दिस ब्रीड इज़ लाइक द अनसंग हीरो। ये कितनी इम्पोर्टेंट है अभी हमको पता चलेगा थोड़ी देर में। हेलो सर, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ जखराना गोट्स। सर, जखराना गोट्स एक, मैं कहता हूँ कि एक अनसंग हीरो की तरह है, जिसको लोग जानते नहीं है ज़्यादा। सो दैट वर्क यू आर डूइंग, आप लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, इस नस्ल के बारे में लोगों को बताइए प्लीज़। जहाँ तक बकरी का सवाल है, हमारे देश में 34 बकरी की नस्लें पाई जाती हैं। जी, 34 नस्लों में चार नस्ल हमारे पास ऐसे हैं जो दुधारू नस्ल कही जाती हैं। जी, जिसमें जमुनापारी है, जखराना है, बीटल और सूरत। तो ये जखराना ब्रीड है, ये बेसिकली राजस्थान की ब्रीड है। राजस्थान में एक अलवर ज़िला है, अलवर में बहरौड़ तहसील, और बहरौड़ तहसील में जखराना एक गांव का नाम है। जी, तो जो जखराना गांव है, उस गांव में और उसके आसपास जो गांव हैं जी, तीन चार, वहां से ये ब्रीड पैदा हुई है। तो उसी गांव के नाम पर ऐसा जखराना ब्रीड नाम पड़ा है। दूध उत्पादन में ये बहुत अच्छी है। यदि हम डेली का इसका दूध का उत्पादन देखें तो गाँव में आपको 5 लीटर वाली, 4 लीटर वाली, 3 लीटर वाली बकरी मिल जाएगी। हमारे फार्म पर भी 3 लीटर वाली, 4 लीटर वाली कुछ बकरियाँ उपलब्ध हैं। जी, और हार्डीनेस बहुत ही हार्ड होती है, मृत्यु दर इसमें काफ़ी कम होती है। और इसका मार्केट में काफ़ी वैल्यू है, क्योंकि दूध उत्पादन वाली बहुत ही गिनी चुनी नस्लों में से एक नस्ल। वाह, मृत्यु दर काफ़ी कम रहती है, 3% के आसपास। जी, कुछ देखते हैं सर हम लोग। लाइक दो दो चीज़ें जो मैंने आपसे सुनी, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। पहली बात सर कि आपने कहा कि ये भी बहुत हार्ड होती हैं। सो यू नो, एक फार्मर को यही तो चाहिए कि उसकी बकरियाँ कम मरें बेसिकली। यस यस। एंड सेकंड थिंग सर, आपने बताई कि ये सबसे ज़्यादा दूध देती है, अगेन ये प्रॉफिटेबल है। जी, और इसके दूध की जो खासियत है, जब बकरी के दूध की हम बात करें, यस सर, तो ये बहुत ही सुपाच्य माना जाता है। जी, हमारे बच्चे होते हैं या बहुत वृद्ध लोग, यस सर, तो दूसरा दूध पचा नहीं पाते गाय भैंस का, यस सर, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसमें बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू दूध में पाई जाती है। और कभी कभार जब डेंगू होता है, उस टाइम तो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप सोचिए। आप जो देख रहे हैं, ये बकरे हैं, ब्रीडिंग वाले बकरे हैं, ये बक्स हैं, पूरे बक्स हैं। और इस नस्ल की पहचान, जो इसके आप कान देख रहे हैं, ये सफ़ेद स्पॉट रहते हैं कान पर। जी, बाकी पूरा शरीर आपको ब्लैक मिलेगा। यस सर, और कान पर सफ़ेद स्पॉट होगा, और कभी कभी थोड़ा चेहरे या गर्दन पर भी कुछ सफ़ेद बाल आपको नज़र आएंगे। यस सर, और एक तो बड़े आकार की ब्रीड है। यस सर, इसके भी 70 किलो, 80 किलो के बकरे हमारे पास उपलब्ध हैं, पहुँच जाते हैं। बहुत ही हार्डी होते हैं और मार्केट में इसकी काफ़ी वैल्यू रहती है। जी, इन द मार्केट जो बक्स होते हैं, ये बेसिकली जो मीट मार्केट के लिए दिया फेमस। हाँ, मीट के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है, क्योंकि मीट, जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन मीट खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। यस सर, आगे फ्यूचर में भी मीट का बहुत अच्छा स्कोप है। तो जो भी बकरी पालन में आएगा, उसके लिए बहुत फ़ायदे वाली है सिद्ध, कि बकरी पालन बहुत ही फायदे वाला सिद्ध होगा। जी, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, किसान के लिए ज़रूरी है कि ऐसी बकरी का चुनाव करें जिसमें ग्रोथ भी अच्छी हो, दूध उत्पादन भी ज़्यादा हो, और साथ साथ मोर्टिलिटी का रेट भी कम हो। कम हो, तो ये जो झकराना है, उसमें तीनों गुण पाए जाते हैं। जी, ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, हाई ग्रोथ रेट है, हाई मिल्क प्रोडक्शन है, मोर्टिलिटी बहुत कम है। जी सर, एंड इनका वैक्सीनेशन भी सेम होता है। हाँ, वैक्सीनेशन चाहे बकरी हो या भेड़ हो, 5 वैक्सीनेशन हमारे इन ईयर, जिसकी कीमत 80 से 100 रुपये आती है। यदि किसान इन वैक्सीनेशन को करता रहेगा तो मोर्टिलिटी 2 से 3% रहेगी वार्षिक मृत्यु दर, उसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। एंड दैट वैक्सीनेशन जो है 5, वो नॉर्मल केमिस्ट पे मिल जाएगी, वेटनरी केमिस्ट पे? हाँ,
हाँ, जो पशुओं की दवाइयाँ रखते हैं जी वहाँ जनरली मिल जाते हैं। एंड इफ देर आर नियर बाय जो है यहाँ से, वो यहाँ पर भी आके ले सकते हैं? यहाँ वैक्सीन नहीं मिलेगा, आगरा आपको वैक्सीन मिल जाएंगे जी, जयपुर आपको वैक्सीन मिल जाएंगे। और यदि किसान संस्थान के टच में रहता है, पहले से डिमांड देता है, तो यहाँ भी कुछ उनको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। ओके सर। और आजकल तो कुरियर या डाक सेवा इतनी तेज है कि उससे भी आप मंगा सकते हैं। श्योर सर। सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई यहाँ पर ट्रेनिंग जैसे चलती है हमारी, सो वो लेना चाहे तो? ट्रेनिंग हमारा संस्थान एक साल में 6 बार वैज्ञानिक बकरी पालन की ट्रेनिंग देता है जी सर। इसकी अवधि 7 दिन रहती है, और इस 7 दिन के अंतर्गत हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीज़ किसानों को या ट्रेनिंग को सिखाते हैं। और उन 7 दिन में थ्योरी में पूरा ब्रीडिंग की नॉलेज, कौन सी ब्रीड रखनी है और किस स्थान पर कौन सी ब्रीड पालनी है, न्यूट्रिशन दें, कितना दें, किस एज में कितना दें, कुछ प्रेग्नेंट होते हैं, कुछ लैक्टेटिंग होते हैं, तो किस आयु में या किस स्थिति में कितना दाना चारा देना है, यस सर, वो सब न्यूट्रिशन बताया जाता है। एक स्वास्थ्य विभाग जी, हेल्थ की पूरी जानकारी, वैक्सीनेशन कौन कौन सा किस समय पे दिया जाता है, किस आयु में दिया जाता है, ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है जी सर। और एक साथ साथ मार्केटिंग का भी यहाँ नॉलेज दी जाती है, यदि आपको बकरी पालन शुरू करना है तो लोन आपको कहाँ से मिलेगा, क्या विधि होगी और आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, पूरी जानकारी 7 दिन के अंदर एक तरह से पूरा उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है बकरी पालन का और बाकी चीज़ों का, मार्केटिंग वगैरह का, जिससे कि वो बड़े आराम से बकरी पालन शुरू कर सकता है। थैंक यू सो मच सर, लाइक ऑनेस्टली मैंने खुद बहुत सीखा आज आपसे, एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू सर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फार्मर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुनाना तो चल रहा है, 1 day old और 2 day old है ना? हाँ, ये एक से 2 या 3 दिन वाले बच्चे हैं, इनको थोड़ा सावधानी से नीचे घास वास बिछा के, जैसे नीचे से किसी तरह का इंफेक्शन ना हो, यस रखा जाता है। और इधर सर, वाइल्ड बर्थ इनका बॉडी वेट कितना होता है एंड देन अभी कितना हो जाता है? ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, इनका बर्थ वेट करीब 3 किलो के आसपास रहता है। यस सर। जब ये 6 महीने के पहुंचते हैं तो इनका 18 किलो के आसपास वजन रहेगा, और 12 महीने की आयु पर 26 से 28 किलो ओके रहता है। तो ये ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छी अच्छा ग्रोथ करते हैं। ये इनका एक पेटेंट कलर है ना, ब्लैक एंड कभी कभी ब्राउन में भी आ जाते हैं, कि वो एक रेयर सिम्टम है, कभी कभी दूसरी ब्रीड से क्रॉस हो जाता है, ये इसका प्योर नहीं है। ये है इसका एक्चुअल, कान सफ़ेद और पूरा ब्लैक। ठीक है सर। So friends, this was all the information about Zakhrana breed. Thank you so much for watching the video. आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।